वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन ऑफ चंद्रिमा। मैं हूँ चंद्रिमा और आज की हमारी रेसिपी है सूजी यानी कि रवा उत्तपम। जी हाँ, बहुत ही डिलीशियस, हेल्दी, लो ऑयल और लो कैलोरी ब्रेकफास्ट है ये। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं या फिर अगर आप हेल्थी खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए ब्रेकफास्ट में एकदम परफेक्ट है। तो अगर आप ये वीडियो और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है उसको क्लिक कीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि आपको मेरे चैनल की हर रेसिपीज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कप सूजी ले लिया है यानी कि करीब 250 ग्राम, और उसी के साथ साथ दही लिया है यहाँ पे मैंने 100 ग्राम, और आधा कप मैंने पानी लिया है। जी हाँ, सूजी अगर नॉर्मल बाज़ार में जो मिलता है वो थोड़े से मोटे होते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ इसको थोड़ा सा ग्राइंड करने के लिए। तो काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, ये कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं है। आप कोई भी बाज़ार से अच्छी वाली ब्रांड की सूजी ले, उसको ब्लेंडर में डालें और ऐसे 2 मिनट तक मिक्स करते हुए एक फाइन पेस्ट बना लें। फिर उसके बाद एक, देखिए मैं जैसे एक बर्तन लिया है, यहाँ पे एक बोल मैंने लिया हुआ है, उसमें मैंने जो फाइन पाउडर जो है उसको हम डाल लेंगे पहले पूरा, और उसी के बाद हम यहाँ पर जो दही हमने अच्छे से फेंट के रखा था ताकि उसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे और वो अच्छे से सूजी के साथ मिक्स हो जाए, और उसी के साथ में मैंने पहले ही दिखाया यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी लिया है, तो उसका आधा मैं पहले डाल रही हूँ और फिर इसको मैं एक ऐसे विस्कर की मदद से विस्क करना स्टार्ट करूँगी। आप इसे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में ना करें क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और ये 2 मिनट में ही बन जाएगा। ऐसे मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा करके हम पानी मिलाते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मिक्स बन के रेडी हो चुका है। अभी इसे हमें कवर करके रख देना है यानी कि ढक के रख देना है 30 मिनट के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो आप इसे ओवरनाइट बना के रख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए मैंने उत्तपम के लिए कुछ चॉप किए हुए टमाटो और उसी के साथ साथ प्याज, धनिया और थोड़े से गाजर और कैप्सिकम ले लिए हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं या फिर अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा के डाल दिए हैं, और सोडा को थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी। यहाँ पे मैं 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा और भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पर मिक्स हमें ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा मिक्स करेंगे तो सोडा का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। फिर थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी। जिस तरीके से हम केक बनाते हैं वैसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो चलिए ये रेडी हो चुका है। अभी हम अपने पैन को ग्रीस कर लेते हैं। इसको मैंने थोड़े से, बहुत ही, आप देख सकते हैं बहुत थोड़े से ऑयल से मैंने ग्रीस किया है, और फ्लेम को आप इसमें लो ही रखें, बहुत कम आँच में इसे हमें पकाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून ही होंगे जो मैंने डाले हैं बैटर के, कुछ इस तरीके से, और उसको फैला के थोड़ा सा आप गोल शेप में कर दीजिए। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है हमें, ये छोटे छोटे साइज़ के ही होते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे मैं चॉप किए हुए कुछ टमाटर डाल रही हूँ, और अगर पहले से ही मैंने जो सब्जियाँ दिखाई हैं, अगर आपको उसमें से कुछ अलग करना है, कुछ नहीं पसंद है तो आप वो ना डालें। और इसी के साथ मैंने थोड़े से प्याज डाल दिए और थोड़े से कैप्सिकम, क्योंकि हमारे घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके हर एक की चॉइसेस बहुत ही अलग होती हैं। तो थोड़े से गाजर यहाँ पे मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो देखिए इसको हम 2 से 3 मिनट तक एक साइड से लो फ्लेम पे पका लेंगे और फिर इसको हम फ्लिप कर देंगे। तो हाँ, ये जो रेसिपी है ये मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड मधुरिमा कर्मकार की रिक्वेस्ट पे मैंने बनाई है। तो आप ज़रूर देखिए ये रेसिपी क्योंकि ये लो कैलोरी ब्रेकफास्ट है, बहुत ही हेल्दी है। तो देखिए दूसरे साइड से इसको फ्लिप करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको दबा दिया है और इसको 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसी तरीके से पका लेंगे। फिर दूसरे साइड से फ्लिप करके देखते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है ये पक चुका है। अब ये दिखने में भी अच्छा है तो एक चेक कर लेते हैं। जी हाँ, चम्मच एकदम से क्लीन निकला हुआ है, तो ये पूरी तरीके से कुक्ड है
एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट, बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट, जो कि अगर आप बैटर रात को बना के रखें तो 5 मिनट में ही सुबह आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए, जो हमारा एक्सेस बैटर था उससे भी हम इसी तरीके की प्रोसेस को रिपीट करते हुए और भी पैनकेक्स बना लेते हैं। और जो मेजरमेंट्स मैंने दिखाए हैं उसी के साथ आप 7 से 8 उत्तपम बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। इसको सर्व कीजिए कोकोनट चटनी के साथ, और अगर आपको कोकोनट चटनी की भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर इसकी भी रेसिपी आपको शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।